Welcome back to our official YouTube channel of RKHIVH Research and Care Center. Friends, I was not aware that Dandiya is also a major reason for HIVH. I afraid when I heard about this. For this, we will listen the opinion of our chairman, Dr. Dharmendra, our general manager, Sunil Dosani, who is very famous Gujarati actor also, and our general secretary, corporate affairs, Ranjit Kumar. So, आज डांडे खेलने के बाद इतने सारे हमारे पास कॉल्स आए कि जिसका शेयर हम आपके साथ करने जा रहे हैं. आज हमारे पास तकरीबन 300 से 340 कॉल्स आए हैं, जिसमें कुछ लड़कों ने अपने आप में इतने डरे हुए थे कि उनके डर को देख करके हमें एक बहुत बड़ा एक छोटी सी फिल्म बनाने की एक हमने सोची. इसमें एक से दो ऐसे घटनाएं घटी जिसको हम आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. एक बच्चे ने तो ऐसा हमारे साथ यह किया कि डांडिया खेलते खेलते उसने इतने सारे लिकर कंजम्पशन कर लिए थे कि कंजम्पशन करने के बाद से अपने वो पार्टनर्स फीमेल पार्टनर के साथ अपना रिलेशन बनाया. रिलेशन बनाने के बाद जैसे सुबह होते ही उसको पता लगा कि ये ऐसी लड़की के साथ हमने संबंध बनाए हैं जिसके संबंध पहले से कितने के साथ संबंध बना चुकी है. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर इतने सारे डर पैदा हो गए कि वो सोचा कि क्या पता कहीं हमारे साथ अगर एड्स इन्फेक्टेड हो गई हो तो. जिसके चलते सुबह तकरीबन 6:30 बजे हमारे पास कॉल्स आए कि सर मैं HIV मैं एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बना लिया ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीने के बाद से कि अब मुझे लगता नहीं है कि मैं क्या करूं. मुझे लगता है कि सर मुझे HIV हो गया है, प्लीज़ मुझे कुछ रास्ता बताइए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा क्योंकि मैं माँ बाप का इकलौता औलाद हूँ, तो मैं क्या करूँ. मैंने उसको गाइड किया कि प्लीज़ डरने की बात नहीं है, आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे पैथोलॉजी में जाकर के PCR टेस्ट कराओ और PCR टेस्ट कराने के बाद हमारे पास आओ, हम उसका सही आपको निदान आपको बताएंगे और गाइड करेंगे. तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है. ऐसे कितने लड़कियों के फ़ोन आए कि सर हमने ज़्यादा से ज़्यादा शराब अल्कोहल करने के बाद से कंजम्पशन करने के बाद से हमने ऐसे कुछ लड़कों के साथ संबंध बना लिए जिससे कि हमें काफ़ी डर लगता है कि कहीं मैं HIV इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई. अगर हो गई तो प्लीज़ मैं क्या करूं और मुझे बहुत डर लगता है मैं नेक्स्ट शादी कैसे कर सकती हूं, मैं घर कैसे जा सकती हूं, मैं घर वालों को कैसे बता सकती हूं. मैंने ऐसे लड़के के साथ मैंने संबंध बना लिए और जिसके चलते हमें इन्फेक्शन लग गया तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए नहीं तो मैं कुछ गलत कदम उठा सकती हूँ. फिर मैंने उनको भी समझाया कि ऐसे गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं RK है, आप RK के साथ जुड़े रहिए, डरे नहीं और RK के साथ जुड़े रहें. और उनका रिपोर्ट आते हुए हम उनको सुविधा उनको बताएंगे और उनके नई जिंदगी आयाम करने के लिए हम उनको डायरेक्शन देंगे. तो सभी दोस्तों से डांडिया खेलने वालों से हमारी स्पेशल मैसेज है कि दारू कम से कम कंजम्पशन करें जिसके चलते इस तरह की घटनाएं घटने से बच सकते हैं. प्लीज़ दोस्तों इस हमारे मैसेज को आप अपने साथ साथ अपने पूरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और ये कल जो घटनाएं घटी जिन बच्चों के साथ में इन घटनाओं को फिर से दोबारा ना दोहराया जा सके इसके चलते ये अपने सारे दोस्तों में शरीक करें और अपने आप को सावधान रहें. थैंक यू. नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी कॉरपोरेट अफेयर फ्रॉम RKHIV एड्स एंड रिसर्च केयर सेंटर. दोस्तों ये जो 9 दिन डांडिया का जा रहे हैं वो तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही पवित्र ये दिन जा रहे हैं, बट आज पर्सनली मैं तो भौचक्का रह गया, मैं सोच नहीं सकता था. आज सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच 173 कॉल हमारे RKHIV एड्स एंड रिसर्च केयर सेंटर में आए हैं. इसका बाइट जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का हमारे यूट्यूब चैनल RKHIVADS.com पर आप देखें. थैंक यू. दोस्तों मैं सुनील दोसानी, जनरल मैनेजर RKHIVADS रिसर्च एंड केयर सेंटर का आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम. दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें इस नवरात्रि के पवित्र त्योहार पर एक
समझदारी से कदम उठाना है और युवा वर्ग, खास तौर पर जो युवा वर्ग है, उनको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये पवित्र त्योहार को हर्षोल्लास के साथ, अपनी जो धार्मिक मान्यता है उनके साथ ये त्योहार को मनाना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मुझे एक नवरात्रि मंडल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। वहां पे गया, बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन हमेशा की तरह जो युवा वर्ग है वो ऐसी गलतियां कर रहे थे कि जिसका बयां करना ये चैनल पे अच्छा नहीं होगा। मैंने हम उनको समझाने की बहुत कोशिश की और काफी हेल्पफुल होने की कोशिश की कि हम समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए और ये जो पवित्र त्योहार है उनको अपनी मान्यता के साथ हमें मनाना है। और रास्ते में ही हमें काफी ऐसे कपल्स मिले जो रोड पे खड़े हुए थे, जो अंधेरे पे खड़े हुए थे। आज ऐसी वारदातें हो रही है समाज में कि ऐसी सब चीजों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने समाज और अपने देश का नाम हमें रोशन करना है, नहीं कि ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसे कोई चीज से हमें अपने माँ बाप का नाम और समाज का नाम डाउन करना है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरे नम्र गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि ऐसी सब चीजों से बचिए और ये पवित्र त्योहार को खूब खुशी के साथ मनाएं और खूब डांडिया और गरबा खेलें। थैंक यू सो मच।